बंगाल में पहले चरण में 30 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी। वोटिंग को लेकर लोग काफी उत्साहित, लाइन में लगकर लोग कर रहे हैं मतदान। बंगाल में बांकुड़ा जिले की 4 सीटों पर मतदान जारी। वोटिंग में महिलाएं बढ़ चढ़कर ले रही हैं हिस्सा। असम में 12 जिलों की 47 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल समेत 264 उम्मीदवार मैदान में। असम के डिब्रूगढ़ में भी वोटिंग जारी। वोटिंग के लिए लंबी लंबी कतारें, लोग बढ़ चढ़कर ले रहे हैं मतदान में हिस्सा। बंगाल के आदिवासी बहुल सीट पुरुलिया में भी वोटिंग जारी। लोग कतार में लगकर कर रहे हैं मतदान। पश्चिम बंगाल में 30 सीटों में से 7 सीटें संवेदनशील। सुरक्षा बलों के साथ क्विक रेस्पॉन्स टीम को भी तैनात किया गया। असम में पहले चरण के लिए 47 सीटों पर 264 प्रत्याशी मैदान में। 81,09,000 से ज्यादा वोटर आज करेंगे इनकी किस्मत का फैसला। असम में पहले चरण में सीएम सर्बानंद सोनोवाल समेत कई मंत्रियों की किस्मत दांव पर। सोनोवाल माजुली सीट से लड़ रहे हैं इस बार चुनाव। बंगाल में पहले चरण के मतदान के लिए सेंट्रल फोर्स की 730 कंपनियां तैनात। 127 कंपनियां बूथ मैनेजमेंट और 14 कंपनियां क्विक रिस्पॉन्स के लिए तैनात। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 185, झाड़ग्राम में 144, पूर्वी मिदनापुर में 148 कंपनियां तैनात, जबकि पश्चिमी मिदनापुर में 124, तो बांकुड़ा में 83 सुरक्षा बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया। बंगाल के 5 जिलों में 10,288 मतदान केंद्रों पर आज वोटिंग, जबकि असम में 11,537 केंद्रों पर मतदान। बंगाल में पहले चरण में 191 प्रत्याशियों में से 48 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से लेफ्ट के 10, बीजेपी के 12, टीएमसी के 10 और कांग्रेस के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के पहले चरण में 5 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला। पुरुलिया, बागमुंडी, खड़गपुर, मिदनापुर और खेजुरी में त्रिकोणीय मुकाबला। बंगाल के पहले चरण में 30 सीटों में से 10 सीटों पर कांटे की टक्कर। टीएमसी, बीजेपी और लेफ्ट के बीच यह टक्कर। पहले चरण में बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस के मौजूदा 7 दागी विधायक मैदान में। रामनगर, पुरुलिया, सलबोनी, दांतन, काशीपुर, बागमुंडी और बलरामपुर के प्रत्याशियों पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं। बंगाल में पहले चरण के चुनाव में 19 प्रत्याशी करोड़पति, जबकि 96 उम्मीदवार 5वीं से लेकर 12वीं तक ही पड़े। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया की जयपुर सीट पर टीएमसी ने निर्दलीय प्रत्याशियों को दिया समर्थन। जयपुर सीट से टीएमसी प्रत्याशी का नामांकन हो चुका है रद्द। बंगाल में पहले चरण के 30 सीटों में 29 सीटों पर बीजेपी लड़ रही चुनाव, जबकि पुरुलिया के बागमुंडी सीट से बीजेपी के सहयोगी पार्टी एजेएस चुनावी मैदान में। बंगाल में पहले चरण में 73,90,000 से ज्यादा मतदाता देंगे वोट। इसमें 37,50,000 से ज्यादा पुरुष और 36,20,000 से ज्यादा महिला मतदाता। पश्चिम बंगाल में 7,061 पोलिंग बूथों पर मतदान। पोलिंग बूथ में 100 मीटर के दायरे में सिर्फ केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती है। पहले चरण के मतदान से पहले सुरक्षा एजेंसियां हुई सतर्क। पूर्वी मिदनापुर में केंद्रीय सुरक्षा बलों ने बढ़ाई सख्ती। झाड़ग्राम में चुनाव आयोग ने सभी 1,307 बूथों को संवेदनशील घोषित किया। झाड़ग्राम के चप्पे चप्पे पर पुलिस के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती। पश्चिम बंगाल के सभी बूथों पर ईवीएम के साथ वीवीपैट का भी इस्तेमाल। वोटिंग में देरी से बचने के लिए अतिरिक्त कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट भी मौजूद। पश्चिम बंगाल में वोटिंग से पहले बांकुड़ा में ब्लास्ट, टीएमसी दफ्तर में धमाका, 5 कार्यकर्ता जख्मी हुए। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में टीएमसी ऑफिस में धमाके पर बीजेपी का गंभीर आरोप। बीजेपी ने टीएमसी ऑफिस में बम बनाने का आरोप लगाया। बंगाल में कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। पुरुलिया जिले में तैनात कई पुलिसकर्मियों को हटाने की मांग। कैलाश विजयवर्गीय ने ममता के मंत्री का एक वीडियो किया ट्वीट। कहा, बंगाल में पैसे देकर वोट खरीदने की कोशिश हो रही है। बीजेपी ने बलरामपुर से टीएमसी प्रत्याशी शांतिराम महतो पर पैसा बांटने का आरोप लगाया। राज्य चुनाव आयोग से की शांतिराम की शिकायत। नंदीग्राम हिंसा केस में ममता बनर्जी के इलेक्शन एजेंट एसके सुपियान को सुप्रीम कोर्ट से मिली अतिरिक्त राहत, अंतरिम राहत। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। आज ममता बनर्जी की 4 रैलियां। पश्चिम मिदनापुर में 3 और हावड़ा में 1 जनसभा को संबोधित करेंगी ममता बनर्जी।